हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू बाजी, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन वेन्यूज और बैंकेट्स की लाइव डेकोरेशन और उनका सेटअप। तो जी, आज मैं आ गया हूँ एक बार और नए वेन्यू के साथ, जिसका नाम है मैपल गोल्ड। मैपल गोल्ड की इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी जो कि पश्चिम बिहार में था, उन्हीं की ये सेम ब्रांच है जो कि न्यूली ओपन्ड हुई है जीटी करनाल रोड अशोक विहार के आसपास। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसी है यहाँ की डेकोरेशन और फिर बात करेंगे हम यहाँ के ऑनर से कि कितने लोगों तक की हो सकती है गैदरिंग और क्या है यहाँ के पर प्लेट चार्जेस। तो चलें फिर, लेकिन उससे पहले मेरा लोगो म्यूजिक। जी, तो आइए अब बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और जानते हैं कि कितने लोगों तक की हो सकती है गैदरिंग और क्या है यहाँ के पर प्लेट चार्जेस। तो हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मी माई सेल्फ इज स्वीटी, ओके, वाइफ ऑफ गोपाल कुमार जी, ओके। वो पश्चिम विहार के अंदर मैपल गोल्ड के नाम से 5-स्टार बैंकेट हॉल है, वो संभालते हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये आउटलेट भी देखते हैं। यहाँ वाला थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, okay। ये यहाँ पर शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल साथ ही है अशोक विहार के अंदर, okay। ये भी मैपल गोल्ड के नाम से, आपने अगर नानक प्याऊ गुरुद्वारा देखा है, हाँ जी, जस्ट नियर अबाउट ही है नानक प्याऊ गुरुद्वारा, okay। तो यहाँ पे हम नई प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, जस्ट रिसेंटली हमने ओपन ये नई ब्रांच करी है, okay। तो मैम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिनिमम गैदरिंग की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100 टू 1 अप टू समझ लो 1000 तक हो जाते हैं, मतलब मिनिमम 100 और 1000 तक बंदा हो जाता है, ओके, 1000 तक का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो मैम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्लेट चार्जेस की, तो पर प्लेट चार्जेस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1200 टू 2400, ओके, 1200 अप टू, ओके, ओके। एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर आपकी साये की डेट है तो रेट फ्लेक्सिबल हो जाता है, अच्छा। और ये भी होता है कि फंक्शन कैसा है, ओकेजन कैसा है, गैदरिंग कैसी है, सब कुछ ये डिपेंड करता है साये की डेट और ओकेजन क्या है। अगर बर्थडे पार्टी है, गैदरिंग कम है, तो कम चार्जेस होंगे, okay। और एनिवर्सरी है या वेडिंग का है, गैदरिंग ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग होंगे चार्जेस, ओके।
तो मैम अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे नॉन वेज की, तो क्या नॉन वेज सर्व होता है यहाँ पे? सर आई एम सॉरी, नॉन वेज हम यहाँ सर्व नहीं करते। हमारे जितने भी आउटलेट हैं, पश्चिम विहार वाला भी, ये जीटी रोड वाला भी, मैपल गोल्ड, फाइव स्टार हैं दोनों, और सब जगह प्योर वेज ही हैं। हाँ एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि विदाउट अनियन गार्लिक हम सर्व कर देते हैं, जैसे माता की चौकी है, खाटू श्याम जी का है, साई संध्या है, जैसे कस्टमर की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग हम विदाउट अनियन गार्लिक बना देते हैं। और प्योर वेज है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जो आप कहते हो मेन्यू के अकॉर्डिंग वैसे हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन मेन्यू हैं, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड। ओके, तो मैम अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे लीकर की, तो क्या लीकर सर्व हो सकता है? हाँ जी सर, सर्व हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एज पर गाइडलाइंस, जैसे गवर्नमेंट हमारे को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग। अगर परमिशन होती है तभी वो लाइसेंस लेना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। Okay. और थोड़े से कॉर्केट चार्जेस लगते हैं, सर्व हो जाते हैं और वो पैकेज के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। ओके, तो मैम जो मतलब जो सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं? सारी सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे कॉर्केट हो जाती है, इसके अलावा डीजे, डेकोर, सब कुछ हम पैकेज पूरा बना कर देते हैं, सब कुछ पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो मैम अगर अब मैं बात करूँ डीजे और डेकोरेशन के चार्जेस की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मतलब डीजे डेकोर भी हम पैकेज के अंदर ही रखते हैं। एक्चुअली हमारा जो डीजे है वो हमारा ब्रांड है, एक बॉबी यशी का आपने सुना होगा, वही सेम ब्रांड मैपल गोल्ड पश्चिम विहार में भी है, और वही सेम ब्रांड हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ऑल आर इंक्लूडेड इन पैकेज। ओके, तो मतलब कि अगर कोई आएगा तो आप उसको एक कंप्लीट पैकेज देंगे? यस सर, यस सर, पूरा पैकेज बना कर देंगे। उसके अंदर हम सब चीज़, फ्लावर डेकोरेशन, डीजे एंड ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड। एक्चुअली जैसे कस्टमर की डिमांड है, अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है तो बैलून डेकोरेशन हो जाती है, वेडिंग है तो फ्लावर डेकोरेशन हो जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन ओकेजन, कैसा ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग डेकोर और डीजे उसके हिसाब से हो जाता है। अगर माता की चौकी है तो डीजे नो नीड, तो तब उनका वो लगेगा सेटअप प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके ओके, तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पार्किंग की क्या फैसिलिटीज हैं? सर पार्किंग की तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ पे हम आपको वेले पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। और सेम पश्चिम विहार के अंदर भी पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे एक सर 2000 गाड़ियों की पार्क स्पेसिंग है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू, वेलकम सर। हाँ जी, तो कैसा लगा वेन्यू फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के वेन्यूज रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर डिसलाइक करने के साथ साथ यार मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा है, ताकि मैं आने वाली और वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और बाकी तब तक के लिए Cheers!